हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं पिछले 32 सालों से मशरूम की खेती कर रहा हूँ मिलिकपुर गांव दिल्ली में। और इसमें मशरूम की भी एक बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, किंग ऑयस्टर, स्टाके और पोटागला की खेती करता हूँ। अभी जो मेरा ये कमरा है सामने, ये बटन मशरूम के लिए ही है। मैं आपको बटन मशरूम के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे होती है, कैसे कितना टेम्परेचर, क्या कंडीशन, कंपोस्ट कैसे बनता है। ये कमरा है बटन मशरूम के लिए। बटन मशरूम के लिए ये कमरा तैयार किया गया है। बटन मशरूम को टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 16 से लेकर 26 डिग्री तक, तो उस हिसाब से इस कमरे को बनाया गया है। जैसे इंसुलेशन किया है, ये पैनल से इंसुलेशन कर दिया है, टेम्परेचर जो हमारा लॉस ना हो। और ये एयर कंडीशन लगा दिया गया है इस पर ऊपर, तो ये हम टेम्परेचर गर्मियों में भी सर्दियों में से मेंटेन हो जाएगा। ये तो कमरे और इस ये जो कमरा है ये 15 फीट तो लंबा है, 10 फीट चौड़ा है और 12 फीट ऊंचा है। तो इस कमरे में मैंने ये 8 रैक बना दिए हैं 8 रैक एक साइड में, 8 रैक एक साइड में। तो इसमें मेरा एक साइकिल में 5 टन कंपोस्ट आएगा। 5 टन कंपोस्ट आएगा तो हम इसमें एक एवरेज होती है कि 20% मशरूम निकलते हैं, यानी कि इसमें एक साइकिल 2 महीने का 60 दिन का, इसमें 1 टन मशरूम निकल जाएगी। और जब हम शुरू में ये बैग, इस बैग में जो है इसको कंपोस्ट बोलते हैं, ये बेस है मशरूम निकलने के लिए, मशरूम की खाद जिसको, इसको हम स्टरलाइज करके लेके आते हैं। ये हमारा स्टरलाइज है। तो जब हम इसको रखेंगे ले आके पहले दिन, इसमें बीज डाल के ले आके पहले दिन रखेंगे तो हमें 15 दिन तक जरूरत, 15 से 20 दिन जरूरत पड़ती है 26 डिग्री टेम्परेचर की और हाई CO2 की, वो हम मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हमें इसको जो फ्रूट बॉडी के लिए इसको लेके जाना पड़ता है 16 डिग्री पे। जब 16 डिग्री पे लेके जाएंगे और ताज़ा हवा डालेंगे और नमी को कम कर देंगे, तब हमारी ये फ्रूट बॉडी बननी शुरू होंगी। ये चलेंगी 35 दिन तक। इसके 3 फलस या 4 फलस आ जाते हैं। कंपोस्ट हम अपना ही बना रहे हैं दूसरी जगह पे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है तो यहाँ वहाँ बना लेते हैं। यहाँ यानी कि रिहायशी इलाका है तो इसमें हम नहीं बना पाते। कंपोस्ट गेहूं का भूसा, मान लो 100 किलो गेहूं का भूसा है तो इसमें 50 किलो हो गया मुर्गी का खाद हो गया, और कुछ 4-5 किलो यूरिया हो गया, और कॉटन सीड केक होते हैं वो हो गया इसमें 10 किलो के करीब इस हिसाब से, और जिप्सम हो गया इसमें 9 किलो के करीब इस हिसाब से। एक फार्मूला होता है कंपोस्टिंग का, और ये सारा मिला के तैयार करके फिर इसको एक चैम्बर में, इंसुलेटेड चैम्बर में इसको स्टरलाइज करते हैं। फ्रेश एयर डालते हुए सारा सिस्टम स्टरलाइज करना पड़ता है। हाँ, उसमें ये थैलियाँ आती 24-24-30 का इसका थैली का साइज़ होता है। एक थैली में हम 10 किलो डाल देते हैं, एक मोटा मोटा 10 किलो की एक एवरेज आ जाती है। 10 किलो में से एक थैली में अगर मेरा 10 किलो कंपोस्ट है तो मशरूम निकलेगी 2 किलो। हाँ, ये 20% का होगा। हाँ हाँ, 2 किलो निकल जाता है। ये एक कमरे में 500 थैलियाँ हैं। हाँ, और जैसे कि लंबा टाइम मिल गया, कंपोस्ट बढ़िया है तो ये 2 किलो से ज़्यादा भी चला जाता है, 2.5 किलो तक भी आ जाता है। इसकी केयर कैसे करते हैं? केयर के लिए इसका सबसे पहले तो टेम्परेचर है, जो फ्रूटिंग के टाइम में हम 16 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके बाद इसमें नमी है, नमी हम रखते हैं 82%। उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई इसमें ताजगी रखनी, हवा हम इसमें फ्रेश एयर डाल के इसको ताज़ा रखते हैं, वो होती है 700 ppm हम इसमें रखते हैं CO2। क्यों ना कि ये जो बटर मशरूम है, आप बताइए कि हमेशा इंडोर ही, मतलब मशरूम जो हाँ, बनती है। मशरूम जो ग्रो करते हैं वो सारा इंडोर ही होता है, बाहर हम ये कंडीशन नहीं दे सकते। ये सारा का सारा जितना भी है ये कंपोस्टिंग होता है बाहर, और ग्रोइंग सारी कमरे के अंदर होती है क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसमें CO2 मेंटेन करनी पड़ती है, इसमें नमी मेंटेन करनी पड़ती है, वो हमेशा एक जैसी रखनी पड़ती है। क्योंकि मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड। हाँ, बटन का हम बटन ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं कि मार्केट में बटन की ज़्यादा डिमांड है। और दूसरी मशरूम जो करते हैं वो ऑर्डर पे ही करते हैं। ये कंपोस्टिंग का जो हमारा कंपोस्ट बनता है, वो कंपोस्ट बनता है 22 दिन में, और फिर मशरूम निकलती है हमारी, यानी कि ये पूरा साइकिल फिर कमरे के अंदर 2 महीने का है, 60 दिन का। मार्केट में लेके जाते हैं जो एक साइज हो जाता है, जैसे कि ये साइज हो गया है, ये साइज हो गया इतना बड़ा, तो इसको पकड़ा और ऐसे घुमाया और ये नीचे से काट दिया, ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। इसको सेल कैसे करते हो? डायरेक्ट करते हैं आप? सेल के लिए हमें दिक्कत है, सेल हमें मीडिएटर के पास जाना पड़ता है, वो हमें एक रेट नहीं मिल रहा है, उससे तो हम बहुत परेशान हैं। आप मीडिएटर को कौन से रेट पे बेचते हैं मार्केट में? मीडिएटर तो आज के दिन, जैसे कि अब आज के दिन अभी मई है, मई में आज 100 रुपये किलो या 90 रुपये किलो है, मेरा खर्चा ही 90 और 100 रुपये किलो है, क्योंकि एयर कंडीशन चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, डीजल लगता है, तो ये मीडिएटर की, और जो कंज्यूमर को मिलती है ये 300 रुपये किलो, तो ये सारा मीडिएटर के पास ही रह रहा है, ना किसान को मिल रहा है, ना इसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिल रहा है। आपका बटर मशरूम कितने दिन में तैयार हो जाता है? बटर मशरूम मेरा, आज मैंने अगर बीज डाला है तो 35, आज मैंने बैग रखे हैं तो 35 दिन के बाद मेरा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। ये मशरूम ऐसे निकाला जाता है, इसको पकड़ा और ये ऐसे घुमा दिया, मशरूम आ गया। इसको नीचे से कट किया चाकू से और थैली में या पैनेट में डाल देते हैं, ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। ये मशीन किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए है। स्टरलाइज दो तरीके से करते हैं, तो केमिकल से करेंगे, केमिकल फिर हमारे आदमी के शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये गर्मी से सारे बैक्टीरिया ख़त्म करता है, इसमें तो जो भी काम होगा गर्मी से होगा इसका सारा। जो हम लकड़ी के बुरादे का जो कंपोस्ट बनाते हैं ना, उसके बैग भरते हैं, तो इसमें उसको स्टरलाइज करते हैं, इसमें 90 मिनट तक 125 डिग्री पे स्टरलाइज करते हैं उसको, जो हमारा लकड़ी का बुरादा होता है थैलियों में डाल के। उसके बाद हम दूसरे लेमिनार फ्लो में, जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो उसमें उसके अंदर बीज डालने के लिए लेमिनार फ्लो के अंदर ले जाते हैं, आटों को ले, उसे हम बैगों को ले आते हैं लेमिनार फ्लो में। ये मशीन का नाम है लेमिनार फ्लो। यहाँ पे हम इस कमरे में कोई भी, ये लेमिनार फ्लो क्या होगा, इसमें हैप्सा फिल्टर लगे हैं, वो इसके सारे, इसके वायरस फंगस वगैरह सब निकाल देते हैं। तो यहाँ जब हम बिजाई करने के लिए बैगों की बिजाई हम यहाँ करते हैं, यहाँ उसके अंदर स्पान डालते हैं। ये हमारा ये हैप्सा फिल्टर लगे हैं और यूवी लाइट आई है, एक तो हैप्सा फिल्टर होगी, एक यूवी लाइट होगी, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें नहीं रहता। ये यहाँ पे स्प्लिट लैंप होता है। ये किंग ऑयस्टर मशरूम है, ये लकड़ी के बुरादे में तैयार हो रही है, ये ऑर्गेनिक है और इसके उगाने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है हमें 14 डिग्री तक के लिए, और ताज़ी कमरे में CO2 का जो है 700 ppm तक CO2 रखते हैं, और मार्केट में इसका रेट बटर मशरूम से ज़्यादा मिलता है। इसकी मोटा मोटा लागत आ जाती है हमारा जो किलो के हिसाब से 150 रुपये किलो, और मार्केट में इसकी फिर अलग अलग जो हमें मिलता है वो तो 250-300 रुपये है। वैसे मार्केट में तो इसका जो किंग ऑयस्टर का जो कंज्यूमर को मिलता है वो 2000 रुपये किलो तक उसको लेता है, जो बीज का सब आड़ती वगैरह के पास ही रह जाता है। हमारी जेब में तो 200-250 रुपये आते हैं। और इसको लकड़ी का बुरादा है, उसमें आटोक्लेव में इसको स्टरलाइज करते हैं हम 125 डिग्री पे 90 मिनट। उसके बाद इसमें लेमिनार फ्लो में इसका जो बीज स्पान डालते हैं, उसके बाद इसका टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए रखते हैं 25-26, और फिर जो फ्रूटिंग का टाइम होता है तो इसका रखते हैं 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर। सीड वगैरह हम रिसर्च सेंटर सोलन से लेके आते हैं, या अपना भालगढ़ में है जो कुसुम स्पान लैब, उसके पास मिल जाता है। ये हो जाता है पूरा साइकिल 2 महीने का है। हाँ, जैसे आज मैंने बीज डाला है तो 2 महीने के बाद ये मशरूम निकल के तैयार होकर निकल जाती है इसमें, और जो ये बचा हुआ है ये खेतों के लिए हमारा बहुत बढ़िया है। हाँ, इसके टेम्परेचर और नमी, टेम्परेचर 14 डिग्री, नमी हमारा 80% के करीब, और जो ताज़ी हवा इसमें डालनी पड़ती है वो रखते हैं 700 ppm, यानी कि ताज़गी के बराबर, कमरे की सफाई वगैरह सारी चीज़ रखते हैं। हाँ, हाइजीनिक प्रॉपर, उनसे ज़्यादा करनी पड़ती है इसकी, अच्छे उनसे। हाँ, बटर मशरूम से इसकी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसको तो बहुत, बटर मशरूम के लिए तो हम पैसराइज करते हैं, इसको हमें 125 पाउंड पे 90 घंटे स्टरलाइज करना पड़ता है। वो आटो के लिए जो पीछे रखे हैं ना आपका, उससे करना पड़ता है। लेकिन ये है ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल, कोई यूरिया वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कोई दवा है। इससे प्रोटीन भी ज़्यादा है।